नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। देश में पिछले एक साल से कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,490 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस से 113 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजीकरण को लेकर एक वेबिनार में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हम दो हमारे दो का तंज कसा। और वहीं भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ कोवैक्सीन टीके की 20 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने की पुष्टि की है। ब्राजील ने दवा कंपनी भारत बायोटेक के साथ ये समझौता किया है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भगवा पार्टी का डबल इंजन का जाप राज्य में कभी मूर्ति रूप नहीं ले पाएगा। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश में 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाने पुलिस ने पकड़े गए आरोपी असद तालिब शेख को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया है। फिलहाल अब एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दुष्कर्म के आरोपी पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर चंबू शरण गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया। पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं जलंधर में एक युवक की बंद कमरे में सोते समय जिंदा जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल की जा रही है। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद नई नौकरी नहीं मिलने से तनाव में आए करनाल के रहने वाले शुभम ने पानीपत में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले कुलबीर सिंह ने अपनी कलाई पर लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसके घर वाले हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। पंजाब के लुधियाना में 12वीं की छात्र ने टाई से फंदा लगाकर जान दे दी है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। और वहीं देहरादून में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ में जुटी हुई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर 23 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मृतक की प्रेमिका सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में फेसबुक की महिला दोस्त के चक्कर में करोड़पति बनने का सपना देखने वाले एक इंजीनियर ठगी का शिकार हो गया है। उन्होंने 18 लाख रुपए गवा दिए। फिलहाल साइबर सेल जांच कर रहा है। उन्नाव के असोहा कांड में बचने वाली तीसरी पीड़िता का कानपुर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और जिसके बाद आज वो स्वस्थ होकर घर पहुंच गई है। पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया। खबर जयपुर से है, जहां पर चोरों ने एक नामी डॉक्टर के घर में सुरंग बनाई। इसके बाद शातिर चोरों ने घर में रखा एक कीमती चांदी का बॉक्स चोरी कर लिया है। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घटना में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मृतक पुलिसकर्मी की उम्र करीब 50 साल थी। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 5 में पति पत्नी के झगड़े के बाद साले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा का अपहरण कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अहमदाबाद में लिटोरे ने एक घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद मौके से वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची में नक्सली राजू गोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल, 81 कारतूस और 19 मोबाइल फोन किए जब्त। देश में कई महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में धर्मेंद्र अपनी जमीन पर किसानों के संग नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट के मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर 24 फरवरी को रिलीज हुआ है। अब नई रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अजय देवगन भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। एक्टर शाहिद कपूर इस समय अपने करियर की पीक पर हैं। कहा जा रहा है कि एक्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल अदा करने वाले हैं। बिग बॉस 14 के रनर अप रहे राहुल वैद्य शो के बाद अब छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। शादी से पहले राहुल अपनी लेडी लव के साथ छुट्टियां बिताने निकल पड़े हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी साझा की है। राखी सावंत की मां कैंसर की जंग लड़ रही हैं, जिसके बाद सोहेल खान ने एक वीडियो साझा कर कहा है कि राखी को जब भी उनकी जरूरत हो वो उन्हें सीधा फोन कर सकती हैं। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।